इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेलिटीज इन टू वेरिएबल कि एक सिस्टम दे रखा है हमको यानी लीनियर इनक्वेलिटीज इन टू वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हमको दे रखी है और उसका कॉमन रीजन हमको प्लॉट करना आई हैगजाम्पल एक एग्जाम्पल दिया है कि इस सिस्टम का कॉमन रीजन कैसे प्लॉट करेंगे प्रोसेस फिर से वही है जो हमने पिछले सेगमेंट्स में किया कि सबसे पहला काम हमारा है टेबल बनाना वी हैव टू मेक द टेबल दिस इज एक्स दिस इज वाई अब इस इनक्वालिटी की बात कर रहे हैं पहले एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे वाई की वैल्यू आएगी फाइव अब वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी फाइव चलिए दूसरा भी साथ में ही कर लेते हैं दूसरे का टेबल भी हम साथ में बना लेते हैं एक्स वाई अगेन द सेम प्रोसेस एक्स इज जीरो वाई इज माइनस थ्री देन वाई इज जीरो एक्स इज़ थ्री। सबसे पहला काम हमने क्या किया हमने लाइन्स बनाने के लिए दो पॉइंट ले लिए। लिएटस में एक दिस लाइन फर्स्ट। इस लाइन को एक्स इज जीरो, वाई इज फाइव। जीरो फोर एंड फाइव दिस इज द पॉइंट ज्वाइन करते हैं और दोनों डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन का बताना है कि कौन सी लाइन है एक्सप्ल वाई इक्वल टू फाइव दिस लाइन इज एक्स प्लस वाईक्वल टू फाइव चलिए हम यही बात कर लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो किस तरफ होगा इसी लाइन की बात कर रहे हैं हम

टूवर्ड दिस साइड इसको एक्सटेंड कर लो आप कॉमन रीजन इसको बनाते हुए ध्यान देना है कि विच इज द कॉमन रीजन अभी दो इक्वेशन है दो से जब ज्यादा इक्वेशन बढ़ जाती है तो कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं चलिए पहली लाइन का कॉमन रीजन हमने ड्रॉ कर लिया कि x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव ये लाइन इंक्लूडेड है ग्रेटर टू साथ में सेकेंड की बात कर रहे हैं एक्स जीरो वाई इज माइनस थ्री ठीक है x 0, y 3, जी एक्स जीरो वाई इज माइनस थ्री this is the point x is 0 y is minus 3 correct then y is 0 x is 3 y is 0 x is 3 1 2 and 3 ठीक है जी इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है एंड एक्सटेंड इट इसको एक्सटेंड कर लीजिए दिस इज द लाइन ये कॉमन रीजन है कॉमन रीजन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है ब्लू कलर की जो लाइन बनाई है दिस इज द लाइन ये लाइन है ब्लू कलर से जो लाइन बनी है दिस इज आवर सेकेंड लाइन और ये लाइन कौन सी है दिस लाइन इज एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल टू थ्री लाइन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री अब इसका कॉमन रीजन प्लॉट करते हैं फिर से इस लाइन की बात कर रहे हैं ओरिजन इस तरफ को है एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो कर रहे हैं जी इसकी बात कर रहे हैं एक्स की वैल्यू जीरो माइनस जीरो इज इट लेस देन थ्री यस इट इज ट्रू सही है ट्रू है तो ग्राफ किस तरफ को बनेगा ग्राफ विल कहाँ को बनेगा द ओरिजन ठीक है जी ओरिजन की तरफ ये ग्राफ बनेगा हमारा टुवर्ड्स द ओरिजन इस लाइन का ग्राफ बन रहा है ये ओरिजन की तरफ बन रहा है यहां पर भी नाउ विच इज आवर कॉमन रीजन हमारा कॉमन रीजन कौन सा है हमारा कॉमन रीजन है जहां ब्लू और ब्लैक दो देखिए ये इसका रीजन और इसका रीजन जहां कॉइन कॉमन जो रीजन कॉमन है दैट रीजन इज सल्यूशन ये रीजन कॉमन है जी दिस इज द कॉमन रीजन ये लाइन है चलिए इस लाइन को लेके चल रहे हैं ये रीजन कॉमन है दिस इज द सॉल्यूशन सेंस दिस रीजन इज कॉमन दिस इज द सॉल्यूशन इसको डार्क कर लीजिए जितना भी डार्क करना है दिस इज द सॉल्यूशन इज सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का दिस रीजन इज कॉमन ऊपर तक कहीं तक भी जा सकता है बट इट विल रिमेन बिटवीन टू ये दोनों एक्सेस के बीच में रहेगा ये भी जा सकता है इधर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इधर को आ रहा है सो दिस इज सोलूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज इन टू वेरिएबल लेटस टेक फ्यू मोर क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन वी हैव गॉट थ्री इन इक्वालिटी हमारे पास तीन इनक्वालिटीज हैं प्रोसेस फिर से वही है पहले टेबल बनाते हैं पहली इक्वेशन का एक्स इज is वाई इज जीरो वैल्यू डाल देते जीरो वाई इज जीरो एक्स इज वन वाई इज वाई द नेक्स्ट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू यानी हमको जो सॉल्यूशन लेना है वो इस पॉजिटिव में लेना एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए पॉजिटिव यानी यहां और इस क्वार में हमको वैल्यू लेनी है पॉजिटिव एक्स की वैल्यू इधर को रहेगी मतलब जो भी सोल्यूशन सेट आएगा उस पर ध्यान देना है कि वी हैव टू टेक द वैल्यू इस क्वार और इस क्वारनेंट और अगर साथ में इसमें मान लीजिए एक और चीज जुड़ जाएगी कि वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इट मींस द सॉल्यूशन विल बी कन्फाइंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ सॉल्यूशन फिर यहीं रहेगा लेकिन यहां हमको सिर्फ दे रखा है x इज ग्रेटर देन जीरो यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम वैल्यूज इसका कॉमन सोल्यूशन ले सकते हैं कॉमन रीजन ठीक है ये एक्स एज जीरो वाईज नाइन फर्स्ट एक्स एज जीरो वाई इज नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एन दिस इज एक्स एज जीरो वाई इज नाइन फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन लाइन ड्रॉ कर लीजिए और लिखना है कि ये लाइन है कौन सी दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन लाइन की बात हो रही है ये लाइन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन ठीक है वी कैन राइट इट एज एक्स माइनस वाई इज लेस देन जीरो एक ही चीज है एक्स माइनस वाई की वैल्यू लेस देन जीरो लिखेंगे सेम थिंग चलिए ठीक है ये। अब फर्स्ट, पहले इसका कर लेते हैं तो जीरो जीरो पॉइंट इस रीजन का हिस्सा है या नहीं देख लेते हैं जीरो प्लस जीरो इज लेस देन नाइन यस इट इज ट्रू ये सही है तो बताया सॉल्यूशन रीजन कहां को आएगा टूवर्ड्स द ऑ दिस इज दोल्यूशन रीजन एंड इट विल बी टूवर्ड्स द ओरिजन ओरिजन की तरफ क्यों क्योंकि जीरो जीरो इज पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन रीजन नेक्स्ट दूसरी लाइन प्लॉट कर लेते हैं एक्स इज जीरो वाईज जीरो जीरो वाई एज जीरो दिस इज द पॉइंट ये पॉइंट आ गया धैन एक्स इज वन वाई इज वन यहां पर पॉइंट आ गया पहले लाइन प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट तो हमने सिर्फ लाइन को प्लॉट करने के लिए लिए दिस इज द लाइन एंड दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल टू ये कौन सी लाइन है वेर x इज इक्वल टू y लेट एस टेक द कॉमन रीजन और जब मैंने कहा कि लाइन ओरिजन से जब पास करती है तो कैसे वेरीफाई करना है हमने क्या करना है एक पॉइंट इसके ऊपर को ले लेते हैं या नीचे कहीं को भी ले लो एक पॉइंट हम क्या करते हैं इसके नीचे को लेते हैं यहां पर और हमने जो पॉइंट लिया वो पॉइंट लिया एक्स की वैल्यू डालेंगे 1 और y की वैल्यू -1 x 1 एंड y equal to ये पॉइंट लिया लीजिए यहां पर y 1 देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करता है 1 इज लेस देन -1 इज इट ट्रू नो इट इज फॉल्स 1 इज ग्रेटर देन -1 हमने क्या किया यहां वैल्यू डाली सिर्फ इस पॉइंट की कि ये पॉइंट लिया 1 1 तो x इट इज फॉल्स फॉल्स का मतलब कहां को बनेगा इस साइड को नहीं बनेगा जहां हमने पॉइंट लिया इसकी ऑपोजिट साइड को ग्राफ बनेगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा लाइक दिस एंड द कॉमन रीजन यू कैन सी यू कैन सी द कॉमन रीजन दिस रीजन इज आवर कॉमन रीजन क्योंकि हमको लेना कहां पर है हमको एक कंडीशन और दे रखी थी इसमें एक्स इज ग्रेटर देन जीरो अगर ये नहीं दिया होता तो हमारा कॉमन रीजन और एक्सटेंड हो जाना था हमारा कॉमन रीजन दिस इज आवर कॉमन रीजन वेद इट इज गिवन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो और अगर ये चीज नहीं दी होती तो कॉमन रीजन कौन सा आना था ये ये वाला एरिया पूरा हमारा कॉमन रीजन होना था अगर ये कंडीशन हमको नहीं दी होती तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनिक्वालिटीज में करना क्या है जितनी भी लाइन्स दी है पहले उनका अपना ग्राफ प्लॉट कीजिए उनका अपना सॉल्यूशन रीजन प्लॉट कीजिए जब सॉल्यूशन रीजन प्लॉट करेंगे सबका जहां सबके सॉल्यूशन रीजन कॉमन हो दैट कॉमन रीजन इज कॉल्ड सोल्यूशन जो कॉमन रीजन सबका है वो सिस्टम इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वालिटीज का सोल्यूशन होगा लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ लीनियर इन इक्वालिटीज में आई हैव टेकन दीज फाइव इन इक्वेलिटीज पहली फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज लेस देन इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स थर्ड इज एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री फोर्थ इज एक्स इज ग्रेटर टू जीरो एंड फिफ्थ इज वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसका क्लियर मतलब है जो सोल्यूशन बनेगा वो यही बनेगा फर्स्ट क्वार्टर में जो सोल्यूशन रीजन आपका बनेगा ठीक है जी वन बाय वन प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं पहले टेबल बनाते हैं पहले का टेबल एक्स वाई एक्स इज जीरो वाई इज ट्वेंटी वाई इज जीरोक्स इज फिफ्टीन सिमिलरली यहां पर दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजन ये ध्यान देना है कि ये लाइन ओरिजन से पास कर रही है दिस इज एक्स दिस इज वाई एक्स इज वाई इज वन एक्स की वैल्यू वन लेते हैं तो वाई की वैल्यू आएगी टू एक्स इज ग्रेटर टू थ्री एक्स इज ग्रेटर टू थ्री यानी तीन से बड़े के लिए स्ट्रेट तीन पर बिल्कुल आपकी वाई एक्सिस के पैरल लाइन आएगी चलिए पहले पहली लाइन को प्लॉट करते हैं एक्स इज जीरो वाई इज ट्वेंटी एक्स एज जीरो वाई एज ट्वेंटी दिस इज द पॉइंट सेकेंड दोनों पॉइंट okay, को ज्वाइन कीजिए ज्वाइन करना है बाई यूजिंग द स्केम मैंने हाथ से इसको ड्रॉ किया इट मे नॉट बी स्ट्रेट ठीक है जी अब इसका कॉमन रीजन यानी इसका रीजन सोल्यूशन रीजन इसका पहले देखते हैं फिर से प्रोसेस वही ओरिजन यहां पर है देखते हैं जी ओरिजन x की वैल्यू जीरो जीरो प्लस जीरो इज लेस देन सिक्सटी इज इट ट्रू यस इट इज ट्रू ये सही है तो सॉल्यूशन रीजन किधर को बनेगा सॉल्यूशन रीजन विल बी टूअर्ड्स द ओरिजन सॉल्यूशन रीजन कहाँ को बनेगा टूअर्ड द ओरिजन सेकेंड एक्स इज जीरो वाई इज जीरो दूसरी ठीक है जी देन एक्स इज वन वाई इज टू एक्स इज वन वाई इज टू इन दोनों को ज्वाइन कीजिए दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड कीजिए और लिखना है इसमें साथ में जो पहले थी दैट वॉज फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो दूसरी y इक्वल टू टू एक्स अब इसका कॉमन रीजन देख लेते हैं कॉमन रीजन के लिए लेटेस्ट पॉइंट यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं यहां ले लेते हैं x इज माइनस वन वाई इज वन हम क्या कर रहे हैं इसके लिए x की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू वन यहां जैसे पॉइंट ले रहे हैं देखते हैं कि क्या ये इस सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा है इसकी बात हो रही है जी क्या ये सोल्यूशन रीजन का हिस्सा है चाहिए एक्स की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू वन वन इज ग्रेटर टू टू इन टू माइनस वन इज इट ट्रू वन इज ग्रेटर देन टू यस इट इज ट्रू ये सही है वन की वैल्यू माइनस टू से बड़ी है यस इट इज ट्रू तो ग्राफ किस साइड को बनेगा ग्राफ दिस साइड इस साइड को इसका ग्राफ बनना है चलिए नाउ द थर्ड वन तीसरी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ये थ्री आ गया एक्स इसके पैरेलल लाइन बनेगी कॉमन right जहां तीनों का कॉमन रीजन हो सकता है ये वाला भी रीजन हो सकता था दिस रीजन वॉज क्वाइट पॉसिबल अगर ये लेस देन या ग्रेटर देन में कहीं कन्वर्शन होती तो ये रीजन क्वाइट पॉसिबल था कैसे अगर ये चीज फोर एक्स प्लस थ्री वाला अगर ये लेस देन या ग्रेटर देन होती तो रीजन ऊपर वाला आना था लेकिन यहां पर दिस इज द कॉमन रीजन तो ये ध्यान देना है कि कॉमन रीजन यानी जहां पर सभी लाइंस का सॉल्यूशन रीजन इंटरसेक्ट जिस जगह पे करेगा उतना रीजन दैट इज द सॉल्यूशन लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी हमने पांच इनइक्वालिटीज ले रखी है एक्स प्लस टू वाई इज लेस दैन इक्वल टू टैन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वाई इज लेस दैन इक्वल टू जीरो देन एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जो स्टोरी है वो फर्स्ट क्वार्टर तक की आपको कन्फाइन करनी है वहीं तक सीमित रखनी है ठीक है जी सेम टू सेम अगेन सेम प्रोसेस पहले लाइन को ड्रॉ करना है एक्स वाई एक्स इज जीरो वाई की वैल्यू फाइव देन वाई इज जीरो एक्स की वैल्यू टैन ये इसका ठीक है जी दूसरी इन दूसरी इन में ले लेते हैं एक्स वाई एक्स इज जीरो, वाई इज वन, वन। देन वाई इज़ इज़ जीरो, एक्स तीसरी जीरोक्वालिटी ये इसका है जी तीसरी इन में एक्स वाई एक्स इज जीरो वाई इज जीरो नस्ट टेक एक्स इज टू एक्स की वैल्यू दो ले लेते हैं एक्स की वैल्यू दो डालेंगे वाई की वैल्यू वाई टू उस तरफ जा इक्वल टू में जब कर, करेंगे हम उस तरफ जाके इट विल बी माइनस टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू वाई की वैल्यू आएगी टू ठीक है जी और बाकी फर्स्ट क्वार्टर चलिए पहले इसकी बात कर रहे हैं ये इसका टेबल है पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं इज जीरो वाई इज फाइव इज जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव एक्स जीरो वाई इज फाइव ये पॉइंट आ गया देन वाई जीरो एक्स इज टेन ये टेन है वाई जीरो एक्स इज टेन इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं एक्सटेंड कर लीजिए दोनों no डायरेक्शन लिख लेना है कौन सा है जी दिस इज एक्स प्लस टू वा है इट इज इक्वल टू टेन क्योंकि लाइन इक्वल टू पर है ठीक है नेक्स्ट एक्स इज जीरो सॉरी पहले इसका ही सॉल्यूशन रीजन प्लॉट कर लेते हैं सॉल्यूशन रीजन प्लॉट करने के लिए वही काम ओरिजन ले, ले लेंगे देखते हैं कि ये पॉइंट इसके सोल्यूशन आता है कि नहीं आता है जीरो प्लस जीरो इज लेस देन टेन ट्रू सही है तो ग्राफ किस तरफ को बनेगा टूअर्ड द ओरिजन दिस इज द दोल्यूशन रीजन ये सोल्यूशन रीजन है ग्राफ कहां को बनना है टूअर्ड द ओरिजिन ओरिजिन की तरफ नेक्स्ट दूसरी लाइन प्लॉट करते हैं एक्स द पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए इन बोथ द ऑपोजिट डायरेक्शन इस लाइन को यहां एक्सटेंड कर लीजिए और ये लाइन कौन सी है दिस लाइन इज एक्सप्लेस वाई कोल्ड वन अब इसका सोल्यूशन रीजन देख लेते हैं ओरिजन इधर को है इसका ठीक है जी ओ के साथ ही देख लेते हैं दिस वन जीरो प्लस जीरो इज ग्रेटर देन वन फॉल्स क्योंकि ये लेस देन वन होता है जीरो इज लेस देन वन इट इज फॉल्स तो इस साइड नहीं बनेगा कहां बनेगा दूसरी डायरेक्शन में देखिए अपने आप बता रहा है कॉमन रीजन आ रहा है भाई कॉमन रीजन बता रहा है जहां कोई साइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ कॉमन रीजन बता रहा है नेक्स्ट इज एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो ठीक है जी एक्स इज जीरो वाई इज जीरो यहां पॉइंट ले लिया एक्स इज टू वाई इज टू यहां पॉइंट ले लिया प्लॉट कर, कर लेते हैं इसको इसको प्लॉट कर लेते हैं दिस इक्वेशन इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो का इनक्वालिटी इक्वेशन है वो लाइन ये है ठीक है जी अब देख लेते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं इधर को ऊपर को ले लेते हैं इसके ऊपर को एक्स इज माइनस वन इसके लिए ले रहे हैं हम तीसरी के लिए एक्स इज माइनस वन वाई इज वन पॉइंट लिया हमने इस तरफ को इस तरफ को पॉइंट लिया है देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं ठीक है जी x इज वन x इज माइनस वन नॉट वन x इज माइनस वन एंड y इज वन तो माइनस वन माइनस वन इज इट लेस देन यस इज लेस देन जीरो दिस इज ट्रू ये सही है तो जिस तरफ को हमने यहां पॉइंट लिया था सोल्यूशन रीजन उधर कोई बनेगा और क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि तीनों रीजन कहां मिल रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान देना है कि लेने कहां है वैसे यहां भी है अगर फर्स्ट क्वार नहीं होता तो रीजन ये भी होना था ना दिस इज आवर सोल्यूशन रीजन दिस क्वाड्रिलेटरल ये क्वाड्रिलेटरल दिस इज आवर सोल्यूशन रीजन ये हमारा सोल्यूशन रीजन है सिस्टम ऑफ लीनियर इनईक्वेलिटीज का सबके जितनी भी इनक्वलिटीज थी सबका सोल्यूशन रीजन लिया और सबका सोल्यूशन रीजन जहां पर इकट्ठा कोई करता है सबका कॉमन रीजन दैट इज द सोल्यूशन ऑफ System of linear inequalities into variable. So, this is all about this segment.